So in yesterday's lecture, we discussed about the dominant mode of operation. So ये dominant mode क्या रहता है उसके बारे में हमने देखा था. In yesterday's lecture, we discussed different modes of propagation of microwave through the waveguide. That is TE mode, TM mode, and we also discussed why TEM mode cannot be transmitted through the waveguide. Okay, because in TEM mode, the magnetic and electric components are mutually perpendicular to each other, and their direction of propagation of the wave is mutually perpendicular to the both magnetic and electric component. Hence, the electric and magnetic component both are parallel to the conducting surfaces inside the waveguide, and due to that, both the components get short inside the waveguide and no components remain in the direction of propagation. Hence, TM mode cannot be propagated through the waveguide. So waveguide ke andar se TM mode nahi propagate ho sakta, to iske liye hame TE aur TM mode ki zarurat hoti hai. So TE mode mein jo electric component hai wo transverse rehta hai aur direction of propagation mein magnetic component rehta hai. और टीएम मोड में मैग्नेटिक कंपोनेंट ट्रांसवर्स रहता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रहता है. बराबर है, ये हमने देखा था कल. द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवगाइड हमने देखा था. ओके, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपको सब समझ में आ गया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो उस वेवगाइड से ट्रांसमिट हो सकती है. उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी रही तो वो वेवगाइड से ट्रांसमिट नहीं होगी, उससे ज्यादा अगर रही तो होगी. सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन बी ट्रांसमिटेड और प्रोपेगेटेड थ्रू दी वेवगाइड. और वो कितनी रहती है, TFC TE10. और ये जो TE10 है, यहाँ पे TE मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और 1 मतलब m की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अलोंग a इज 1 एंड 0 मींस नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अलोंग b, दैट इज n इज इक्वल टू 0. तो यहां पे n की वैल्यू 0 है और n क्या रहता है, नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अलोंग b. तो यहां पे नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अलोंग b 0 है, इसलिए n की वैल्यू 0 है, या इसलिए यहां पे 0 दिया है. ओके, तो ये जो मोड है, इस मोड को डोमिनेंट मोड बोलते हैं. अभी डोमिनेंट मोड क्या रहता है हम अभी आने वाले सेक्शन में देखेंगे. नेक्स्ट है, अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू द वेवगाइड. दैट्स ऑल, दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवगाइड. ओके, सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये अगर मिनिमम रही, तो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हाइएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन आप सबको मालूम है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आप यहाँ पे देख सकते हो, यू नो द फार्मूला, सी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. सी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज द वेवलेंथ, और सी जो रहता है वो रहता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रहती है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वो क्या रहती है, वेलोसिटी. सपोज दिस इज द वेव, और इस वेव की ये जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ, ये लेंथ को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, लैम्ब्डा. और नंबर ऑफ सच वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. एंड द टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी. ओके, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी. C is the velocity, और वो वैक्यूम के लिए कितनी रहती है, 3 × 10⁸. कितनी रहती है वैक्यूम के लिए, वो 3 × 10⁸. 3 × 10⁸. सो दिस इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी मीटर पर सेकंड, तो इतनी रहती है वो. आपको सबको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये किसकी वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी. लाइट की मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड, और उसको हम ऐसा भी ले सकते हैं 3×10^3 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ यस 3×10^5 किलोमीटर पर सेकंड, ओके क्योंकि हम उसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये C=F λ आपको मालूम है। तो ये जो है, अगर यहाँ से अगर हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ एंड लैम्बडा, इट इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ये ऐसा है फॉर एग्जांपल, तो अब सपोज ये जो है C=F λ है, इसका मतलब क्या है, F is equal to C by lambda. So what is the relation between F and lambda there? So that is the inverse relation. Okay. So F and lambda means frequency and wavelength are inversely proportional to each other. अगर frequency ज़्यादा रहेंगी तो wavelength कम रहेंगी, और wavelength ज़्यादा रहेंगी तो frequency कम रहेंगी। ये relation हमको मालूम है। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, कट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो कट ऑफ वेवलेंथ किसको बोलेंगे हम, हाईएस्ट वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ किसको बोलेंगे, हाईएस्ट वेवलेंथ को, मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वेव गाइड इज कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम रहती है तो कट ऑफ वेवलेंथ कैसी रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। ओके, तो हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, उसमें से हम कट ऑफ वेवलेंथ इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो देखो गाइड वेवलेंथ, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी गाइड वेवलेंथ। तो गाइड वेवलेंथ क्या रहती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ऑर्डर टू अंडरगो अ फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियन। देखो 2π रेडियन मतलब किसी भी वेव को जो डिस्टेंस कवर करती है कोई भी वेव, तो वो डिस्टेंस को हम फेज बोलते हैं। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ऑर्डर टू अंडरगो फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियन। अब जब कोई भी वेव 2π रेडियन इतना फेज कवर करती है, तो उसका कितना डिस्टेंस, उतना फेज कंप्लीट होने के बाद, 2π फेज कंप्लीट होने के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं गाइड वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ऑर्डर टू अंडरगो अ फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियन। अगर कोई वेव 2π रेडियन का फेज कंप्लीट करती है, तब वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ पे अगर 2π इतना एंगल अगर वो कंप्लीट करती है, तब वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम गाइड वेवलेंथ बोलेंगे, क्योंकि वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल ऑफ वन वेव। एक वेव की एक साइकिल को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। हम देख सकते हैं वेवलेंथ आपको मालूम ही है ऑलरेडी, ये बेसिक वेवलेंथ की बेसिक डेफिनेशंस वगैरह आपको मालूम है। तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं वेवलेंथ क्या रहती है। अब ये देखो एक वेव है, ये पूरी एक वेव, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स वेव है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ऐसा ही रहता है ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे ये क्रिस्ट है और ये ट्रफ है और ये क्रिस्ट है, मतलब दो सिमिलर पॉइंट जो है वेव के, कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव सिमिलर पॉइंट जो है, यहाँ पे ये क्रिस्ट है, ये ट्रफ है और ये क्रिस्ट है। तो ये जो दो सिमिलर पॉइंट है, वो दो सिमिलर पॉइंट का जो डिस्टेंस रहता है उसको वेव लेंथ बोलते हैं, मतलब लेंथ ऑफ वेव, और उसका यूनिट रहता है मीटर। ओके, सो आप कौन से भी दो सक्सेसिव पॉइंट ले सकते हो, आप एक तो यहां से यहां तक ले सकते हो, या यहां से यहां तक ले सकते हो, या यहां से यहां तक ले सकते हो, एनी टू पॉइंट यू कैन कंसिडर, बट दैट टू पॉइंट शुड बी द सक्सेसिव सिमिलर पॉइंट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द वेव लेंथ। तो अब देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट कंसिडर किए हुए, सो यहाँ पे ये वेव में ये दो पॉइंट कंसिडर किए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक नेगेटिव पीक और एक पॉजिटिव पीक,
और ये निगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक, ये जो एंगल, ये निगेटिव पीक और ये पॉजिटिव पीक सपोज हमने कंसिडर किया, तो यहाँ से यहाँ तक वेव जब ट्रेवल होती है तब उसने कितना एंगल कवर किया रहता है, तो वो 2π एंगल रहता है, 2π। देखो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270 और यहाँ से यहाँ तक 360, मतलब 360 मतलब 2π। अगर हमने रेडियन में कंसिडर किया तो ये 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये 3π रेडियन, ये 3π/2 रेडियन और ये 2π रेडियन। तो 2π रेडियन एंगल जब वो कंप्लीट करती है कोई भी वेव, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है उतने समय में, तो वो जो वो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और यहाँ पे उस वेवलेंथ को बोलते हैं गाइड वेवलेंथ। ओके, उस वेवलेंथ को यहाँ पे बोलते हैं गाइड वेवलेंथ। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे अभी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर अ मोड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज। देखो हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन देखा, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा। देखो ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, यहाँ पे ये जो है एफ सी टीई 10 is equal to 1 divided by 2 under root of mu e pi by a. Okay, तो उसको हमने, हम उस इक्वेशन को कट ऑफ वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने अगर जनरल इक्वेशन लिया, तो सपोज ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अगर हमने जनरल इक्वेशन लिया, एफ सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन सो इनटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हर्ड। अब ये जो एफ सी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस उस एफ सी को लैम्बडा सी में हमें कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन सी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को, उस इक्वेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस एफ सी को लैम्बडा सी में कन्वर्ट करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बाय लैम्बडा। ओके, c इज इक्वल टू f लैम्बडा, ये तो बेसिक इक्वेशन आपको मालूम है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। ओके, इसको अगर हमने f को यहाँ पे रखा तो लैम्बडा डिवीजन में जाएगा, सो f इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन याद रखो, तो लैम्बडा c, एफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एफ सी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा सी, तो लैम्बडा सी क्या आएगा, सी बाय एफ सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्बडा सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन को अगर आपने हमने चेंज किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब देखो ये जो टर्म है एफ सी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ये जो टर्म रहती है पूरी, ये पूरी टर्म क्या रहती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपने म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर वैक्यूम मीडियम के लिए अगर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की और आपने अगर ये टर्म सॉल्व किया 1/2 अंडर रूट ऑफ म्यू ए, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब वो किसकी वैल्यू रहती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इन वैक्यूम, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आप इस टर्म को सी लिख सकते हैं, बराबर है। अगर आपने इस टर्म को सी लिखा, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इन वैक्यूम, तो अगर क्योंकि यहाँ पे 3×10⁸ आने वाला है, तो आप उसको 3×10⁸ की जगह सी लिखो, तो सी अगर वो इधर आ गया, तो आपने क्या किया, सपोज ये सी इधर ही रखा, यहाँ पे ही रखा और ये एफ सी इधर भेज दिया और ये टर्म अगर इधर लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c डिवाइडेड बाय f और यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये टर्म इधर आ जाएंगे, तो ये टर्म 1/2 आ जाएंगे। ओके, तो देखो तो ऐसी टर्म आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसी टर्म आपको मिलेगी लैम्बडा c इज इक्वल टू 2/ अंडर रूट ऑफ m/a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस n/b ब्रैकेट स्क्वायर, where v इज द
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्चुअली यहाँ पे सी होना चाहिए, तो v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू ई एंड लैम्ब्डा इज इक्वल टू v बाय f. अब इस v को हम यहाँ पे c बोल रहे हैं, ठीक है. सो ये होगा आपकी कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है. देन नेक्स्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ डोमिनेंट मोड TE 10 मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज लैम्ब्डा c इज इक्वल TE 10 इज इक्वल 2a. अब ये 2a क्यों आता है यहाँ पे, आपने अगर यहाँ पे m और n की वैल्यू ऐसे अगर पुट किया, इफ यू पुट m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में आपने ये क्या किया, m की वैल्यू 1 पुट किया और n की वैल्यू 0 पुट किया, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएंगे, और यहाँ पे m की वैल्यू अगर 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 बाय a ब्रैकेट स्क्वायर आएगा. तो 1 बाय a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 मींस अंडर रूट ऑफ 1 बाय a ब्रैकेट स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो क्या रहेगा, सिंपली 1 बाय a रहेगा. तो लैम्ब्डा c इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय a, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय a का a जो है वो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे, लैम्ब्डा c इज इक्वल टू 2a, क्या रहेगा यहाँ पे 2a. इसलिए लैम्ब्डा c TE 10 इज इक्वल टू 2a. हमें जो डोमिनेंट मोड है उसकी वैल्यू, कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2a. ओके, समझ में आ गया ये सबको. सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच कैन प्रोपेगेट ऑन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ ऑफ द वेवगाइड. द वेवलेंथ लैम्ब्डा जी इन द गाइड फॉर टी एम एन मोड, अब एम और एन यहाँ पे जनरल लिया है, मोड्स इज गिवन बाय लैम्ब्डा जी इज इक्वल टू लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाय एफ ब्रैकेट स्क्वायर सेंटीमीटर. अब ये लैम्ब्डा ये सेंटीमीटर में लाया है क्योंकि वो डिस्टेंस रहता है, और लैम्ब्डा क्या रहता है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू वी पी बाय एफ, वेयर लैम्ब्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ इन अनबाउंडेड डाइलेक्ट्रिक, वी पी इज द फेज वेलोसिटी इन अनबाउंडेड डाइलेक्ट्रिक, एफ सी इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एफ इज एनी फ्रिक्वेंसी. एनी फ्रिक्वेंसी मतलब वो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी रहती है. ओके, the guide wavelength is the distance between two equal phase plane along the waveguide, it is a function of operating wavelength and lower cutoff frequency. ab yahan pe dekho, ye to aapko aapke samajh mein aa gaya, ye equation jo derive kiya hai humne wo cutoff frequency se derive kiya hai, kyunki humko malum hai equation kya hai, relation kya hai cutoff frequency mein aur cutoff wavelength mein, kyunki frequency wavelength aur velocity ka relation humko malum hai. तो हमने क्या किया, वही फार्मूला लिया. कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है हमने वही लिया. इस फार्मूला को हमने क्या किया, एक्चुअली इस फार्मूला को हमने क्या किया, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ म्यू ई इन ब्रैकेट एम स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हर्ड. इसको सिर्फ ये जो है हमारा ये सी रहता है. ओके, तो ये सी हमने यही पे रखा और एफ सी इधर लाया. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी अगर यहाँ पे रखा, ये सी है सपोज, तो ये सी बाय टू आ जाएगा. ओके, तो सी डिवाइडेड बाय ये एफ सी अगर इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा, सी बाय एफ सी मतलब लैम्ब्डा सी हो जाएगा, और ये टू इधर लेके आए और ये इधर लेके आए, तो ये टू इधर न्यूमरेटर में जाएंगे और ये टर्म डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो हमें ऐसा इक्वेशन मिलता है. और इस ये इक्वेशन मतलब क्या है हमारा, अगर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ये कट ऑफ वेवलेंथ का इक्वेशन है. ओके, और इसमें अगर हमने डोमिनेंट मोड के लिए मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आपको मालूम है टी 10 मोड में हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है कट ऑफ, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस मोड पे मिलती है उसको डोमिनेंट मोड बोलते हैं. समझ में आ गया कि आपको डोमिनेंट मोड क्या रहता है, तो जिस मोड पे हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है उस मोड को कट ऑफ, उस मोड को डोमिनेंट मोड ऐसा बोलते हैं. तो हमें कौन से मोड पे मिलती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें कौन से मोड पे मिलती है, तो हमें वो मिलती है टीई 10 मोड पे. इसलिए उस टीई 10 मोड को डोमिनेंट मोड बोलते हैं. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जिस मोड में, जिस मोड पे हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है, उस
मोड को डोमिनेंट मोड बोलते हैं, और या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस मोड पे हमें कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम मिलती है उस मोड को डोमिनेंट मोड बोलते हैं। तो ये जो TE10 मोड है, ये TE10 ऐसा मोड है कि इस मोड पे हमें लैम्डा सी की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। अगर इसके बजाय आप कौन सा भी मोड ले लो, यहाँ पे एम और एन की एनी वैल्यू यू कैन टेक एनी, अगर TE10 है, इस 10 एम इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ पे एम की वैल्यू आप कितनी भी ले लो और एन की वैल्यू कितनी भी ले लो, और आप अगर इस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको उसकी वैल्यू 2a से ज्यादा नहीं मिलेंगी। ओके, तो मतलब आपको लैम्डा सी की वैल्यू मैक्सिमम तभी मिलेगी जब m की वैल्यू 1 रहेंगी और n की वैल्यू 0 रहेंगी। मतलब TE10 रहेगा तभी आपको लैम्डा सी की वैल्यू, जो कट ऑफ वेवलेंथ है, उसकी वैल्यू आपको 2a मिलेगी। और 2a ये सबसे मैक्स ज्यादा वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम है, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे मिनिमम है ये हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था कि ये जो है FCTE10 इज लेस देन FCTE01 इज लेस देन FCTM11, ये कंपैरिजन हमने देखा था, बराबर है। तो डोमिनेंट मोड मतलब ऐसा मोड कि जिस मोड पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम आती है और कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम है, क्योंकि दोनों का रिलेशन ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम है, और हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम ही चाहिए और कट ऑफ वेवलेंथ ही मैक्सिमम ही चाहिए। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्यों है इस मोड पे, यहाँ पे देखो FCTE10 में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्यों है ये हमने कल देखा था। अब आज यहाँ पे जो हम देख रहे इक्वेशन, ये इक्वेशन में हमने देखा कि λc TE10, ये TE10 में ये λc की वैल्यू 2a आती है, तो ये 2a मैक्सिमम क्यों है ये हमने आज देखा है। ओके, तो आप अगर इस, ये क्या है TE10 है, तो वो m इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 0 है, तो आप m और n की कौन सी भी वैल्यू अगर पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको ये लैम्डा सी की वैल्यू 2a से ज्यादा नहीं मिलेंगी। ओके, इसीलिए ये TE10 को डोमिनेंट मोड बोलते हैं। समझ में आ गया फिर डोमिनेंट मोड क्या होता है? तो डोमिनेंट मोड इज द मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एट विच द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम एंड कट ऑफ वेवलेंथ इज मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ इज 2a। कट ऑफ वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2a। कट ऑफ वेवलेंथ की आपको मैक्सिमम वैल्यू 2a से ज्यादा नहीं मिलेंगी। अब ये a क्या है? ये a डायमेंशन है, कौन सा? तो ये a विड्थ है वेवगाइड की, और विड्थ ऑलवेज ज्यादा रहती है। अगर आपने TE01 मोड लिया, तो 01 अगर लिया तो ये 0 आएगा, m 0 आएगा, ये टर्म 0 हो जाएंगी और ये 1 आ जाएगा। अगर ये 1 है तो यहाँ पे नीचे टर्म क्या रहेंगी? 1/b2। तो ये बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा? 1/b, तो b ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 2a की जगह क्या हो जाएगा? 2b। और 2b ज्यादा या 2a? ऑब्वियसली 2a ज्यादा, क्योंकि a b से बड़ा है, इसलिए 2a की वैल्यू ज्यादा है, 2b की वैल्यू कम है। ओके, और जैसे अगर आपने यहाँ पे दोनों भी नॉन जीरो रखे, सपोज TE11 रखा या TE24 रखा या 5-6 रखा, कुछ भी रखा अपनी वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू बढ़ने वाली है। अगर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू बढ़ गई तो रेशियो कम आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो रेशियो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप TE में m और n की कितनी भी वैल्यू रखो, ये 2a से ज्यादा नहीं आएंगी। सो 2a ये मैक्सिमम वैल्यू है कट ऑफ वेवलेंथ की, और वो तभी आती है जब मोड TE10 हो तब। समझ में आएगा फिर आपको? एनी डाउट इन दिस? यस, एनीवन, यू कैन शेयर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, सो आई थिंक
it is clear to you, because in our last lecture we have already discussed what is cutoff frequency. So here we have discussed cutoff wavelength, okay, and cutoff wavelength is opposite to that of the cutoff frequency, because there is a inverse relation between frequency and wavelength. Okay, so अब ये जो है गाइड वेवलेंथ, तो गाइड वेवलेंथ की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी है कि गाइड वेवलेंथ ये क्या है, ये ऐसी वेवलेंथ है कि एक सपोज एक वेव ने 2 पाई मतलब 2 पाई इतना फेज कवर किया, तो 2 पाई फेज कवर करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उस डिस्टेंस को बोलते है गाइड वेवलेंथ. ओके, तो उसको बोलते है गाइड वेवलेंथ. तो यहाँ पे गाइड वेवलेंथ का जो इक्वेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लैम्ब्रा जी बोलेंगे. द वेवलेंथ लैम्ब्रा जी इन द गाइड फॉर टी एम एन मोड इज गिवन बाय लैम्ब्रा जी इज इक्वल टू लैम्ब्रा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाय एफ ब्रैकेट स्क्वेयर. तो उसका एक डेरिवेशन भी है, हम डेरिवेशन भी देखेंगे. तो लैम्ब्रा क्या है, ये वेवलेंथ इन अनबाउंडेड डाइलेक्ट्रिक. ओके, तो एक अनबाउंडेड डाइलेक्ट्रिक है सपोज, उसमें ये वेवलेंथ है उस माइक्रोवेव सिग्नल की, इंस्टेंटेनियस वेवलेंथ है. वीपी ये एक फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी इन अनबाउंडेड डाइलेक्ट्रिक. और एफ सी ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एफ एनी फ्रीक्वेंसी मतलब वो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो गाइड वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल फेज प्लेन अलोंग विद द वेवगाइड. इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग वेवलेंथ एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब यहां पे देखो, फेज वेलोसिटी क्या है. ओके, सो फेज वेलोसिटी, डिफाइन फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेवगाइड. तो फेज वेलोसिटी डिफाइंड एज the rate at which the wave changes its phase in terms of guide wavelength. Okay, अब यहाँ पे उसका भी derivation है, पर derivation syllabus में नहीं है, तो मैं आपको उसका meaning बताता हूँ क्या है. तो so phase velocity is defined as the rate at which the wave changes its phase. अब आपको एक बात मालूम है कि when a microwave signal or electromagnetic signal transmitted through the waveguide, वो कैसे transmit होती है, zigzag manner में, मतलब वो ऊपर के wall को अगर वो इनसाइड इंसिडेंट हो गई तो फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, नेक्स्ट वॉल पे इंसिडेंट होगी फिर वापस आएंगी, और झिकझैक मैनर में ट्रांसमिट होती है. तो जब वेव वॉल को इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक होती है, तब वॉल को स्ट्राइक होने के बाद उस वेव का फेज चेंज होता है. ओके, और वो फेज चेंज होने का जो स्पीड है, मतलब फेज चेंज होने की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी बोलते हैं. और वो फेज वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से भी ज्यादा रहती है, और बट इट इज फॉर वेरी 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 स्मॉल टाइम. ओके, वो बहुत ही कम समय के लिए वो वेलोसिटी रहती है, और वो लाइट के वेलोसिटी से भी ज्यादा रहती है. एक्चुअली हम ऐसा कहते हैं कि लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है यूनिवर्स में. यूनिवर्स में आज तक लाइट के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से ज्यादा वेलोसिटी किसी की भी नहीं है अभी तक मिली है. तो लाइट की वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वेलोसिटी जो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, उससे ज्यादा वेलोसिटी यूनिवर्स में आज तक नहीं मिली है. पर यहाँ पे फेज वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा आती है. तो एक्चुअली वो फेज वेलोसिटी क्या रहती है, फेज चेंज होने की वेलोसिटी. तो वो फेज इतने फास्ट चेंज होता है, बहुत ज्यादा फास्ट चेंज होता है, और वो चेंज होने की जो स्पीड है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वो लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा रहती है. सो फेज वेलोसिटी आपको समझ में आ गई कि जब वेव एक कंडक्टिंग प्लेन पे इंसिडेंट होती है, और वहां से इंसिडेंट वहां पे इंसिडेंट होने के बाद वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वो उसका फेज चेंज होता है, और वो फेज चेंज होने की जो वेलोसिटी है उसको फेज वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो ये उसका इक्वेशन है फेज वेलोसिटी का. वीपी इज इक्वल टू वी1 divided by under root of 1 minus lambda 1 by lambda cm bracket square. उसको हम frequency में भी convert कर सकते हैं. V1 is equal to under root of 1 minus fcm by f bracket square. The phase velocity of a mode is a function of frequency. At the cutoff
ऑफ अ मोड फेज वेलोसिटी इज इनफाइनाइट. ओके, कट ऑफ मोड में फेज वेलोसिटी ये इनफाइनाइट रहती है, ये बहुत ज्यादा रहती है. ओके, सो एनी डाउट इन दिस? यस, यू कैन आस्क फॉर एनी डिफिकल्टी सो दैट आई विल कम टू नो. यस.